फिल्म का नाम है हैप्पी सिंह और ये जो सीन हम शूट कर रहे हैं उसमें अनूप जलोटा साहब का डबल रोल है और हीरो जो है वो इस गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि वो अपने गुरु हैप्पी सिंह को मिलने आया है, जबकि दिलखुश पांडे वो रोल भी जो अनूप जलोटा जी कर रहे हैं वो हैप्पी सिंह का रोल कर रहे हैं, मतलब वो हैप्पी सिंह बनकर के सरदार जी की गेटअप में दिलखुश पांडे बैठा हुआ है और हीरो ये समझ रहा है कि ये मेरे गुरु हैप्पी सिंह, और उस कन्फ्यूजन में वो सारी बातें कर देता है जो उसे नहीं करनी होती। फिल्म की हीरोइन जो है वो प्रियंका अग्रवाल हैं और हीरो जो है वो निमिष श्रीवास्तव हैं, शक्ति कपूर हैं, राजू खेर है, अंजनी श्रीवास्तव हैं, बहुत सारे लोग हैं इस फिल्म से जुड़े हुए हैं और सबके कैरेक्टर्स जो हैं वो डेफिनेट कैरेक्टर्स हैं। ये फिल्म का नाम है हैप्पी सिंह, कमल शर्मा जी डायरेक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं और मैं इसमें मेन किरदार निभा रहा हूँ हैप्पी सिंह का। हैप्पी सिंह जो एक बहुत मशहूर सिंगर है, गाने गाता है, लोगों के दिल बहलाता है, और एक हमारा इसमें डबल रोल है कि मैं एक बिहारी आदमी की भी भूमिका कर रहा हूँ। कमल शर्मा बहुत टैलेंटेड आदमी है और बहुत फास्ट काम करते हैं, मुझे कभी कभी उनको रोकना पड़ता है कि यार ज़रा ठहर जाओ, मुझे 5 मिनट का रेस्ट दे दो, तो वो बिल्कुल वर्कोहलिक हैं, बहुत काम करते हैं। मैं महीने में 2 दिन शूटिंग करता हूँ फिल्म के लिए और 12 दिन प्रोग्राम करता हूँ अपने म्यूज़िक के, तो 12 कॉन्सर्ट्स करता हूँ। हैप्पी सिंह में डबल रोल करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा क्योंकि इसके पहले मैंने कभी इस तरह किया नहीं है, और कमल जी की बहुत बड़ी एक सपोर्ट है, उस वजह से ये हो पा रहा है, नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। ये जो 2.5 घंटे आप थिएटर में बैठते हैं वो बहुत अच्छे गुजरने चाहिए और आप अपने दुख दर्द थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, मैं समझता हूँ फिल्म का यही मकसद होता है, यही होना चाहिए। तो हैप्पी सिंह देखिए और हैप्पी होकर घर जाइए। के लिए जब अनूप भाई के साथ बैठ के सिटिंग की और डिस्कस किया और उसके बाद जब वो पहले दिन शूटिंग पे आए तो पहले ही दिन उनको डबल रोल करना था, एंड ट्रस्ट मी ही शॉक मी, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये बहुत मुश्किल होगा, शायद मेरे लिए भी और अनूप भाई के लिए भी एक चैलेंज होगा, लेकिन इतनी सहजता के साथ और इतनी आसानी के साथ उन्होंने ये पूरा किरदार निभाया, बल्कि दोनों कैरेक्टर्स इतने अच्छे से निभाए कि मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, मैं सिर्फ कहता जाता हूँ और उनके अंदर का जो एक्टर है वो परफॉर्म करता जाता है। हैप्पी सिंह जो अगर मैं इस फिल्म को टोटालिटी में दर्शाऊं तो ये टोटल कमर्शियल और मसाला फिल्म है, इसमें कॉमेडी है, म्यूज़िक है, एक्शन है, कैरेक्टराइजेशंस हैं। ये फिल्म जो है तकरीबन ख़त्म होने पे आ गई है, सिर्फ क्लाइमेक्स थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद पैचअप और फिल्म ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद 2-3 महीने पोस्ट प्रोडक्शन और फिल्म रिलीज, आप तकरीबन ये मानिए कि फिल्म रिलीज़ पे है, अगले 3 महीने में ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.